इसमें थोड़ा पानी डालो। और ये अभी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, लाइक रात का नान और उसको फ्राई किया हो, मतलब इसकी जैसी कोई ब्रेकफास्ट हो ही नहीं सकती। और साथ में चिकन बनी है। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको विजिट करवाऊंगा एक कोरोना की लैब का। जी हाँ, ये अभी हम गेट ओपन करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक गेट है इसका, तो फिंगरप्रिंट के बाद इसको और ये मेन एंट्रेंस है और इसके बाद हम ये गेट ओपन करेंगे। गेट ओपन करने के बाद ये कुछ किट्स पड़ी हुई है, ये सारी जो प्योरीफिकेशन करती हैं कोरोना के सैंपल्स की। ये फर्दर बायोहैजर्ड एक्सट्रैक्शन रूम है, इधर हम एंटर होंगे और ये हम मेन रूम में एंटर हो गए। ये बायोहैजर्ड है टोटली ऑटोमेटिक, जहाँ पे ना मतलब कोरोना के सैंपल्स आते हैं। तो इसमें ये फंक्शंस हैं, ये सारी जो जरासीम वगैरह होते हैं ये उसको ऊपर खींच लेता है वायरसेस को, ये अब एग्जॉस्ट कर रहा है इसको। अब इसमें ये लाइट होती है ब्लू कलर की, ये डिसइंफेक्ट करती है इस सारे चीज़ों को। तो ये बाहर गली है और गली से सैंपल्स आते हैं, ये मतलब इसको खोलें इसमें सैंपल्स आएंगे, तो ये बाहर से आएंगे इधर से नहीं आएंगे। फिर इधर से हम इसको ऑफ कर देंगे। अब इसमें भी ब्लू कलर की लाइट चल रही है कि ताकि किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो। तो अब इधर से सैंपल आएंगे जो इधर से वेस्ट हमारा बाहर जाएगा, और ये भी ऐसे ही है, इधर हम वेस्ट रखेंगे इधर से वेस्ट बाहर जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हैं इसकी, इस सब के थ्रू ये एक्सचेंज लगी हुई है, ये किट्स पड़ी हुई है और ये फ्रिज का है -32 इसका टेम्परेचर है। तो ये फ्रिज के अंदर किट्स वगैरह पड़ी हुई हैं सारी। ये नीचे मैट बिछा हुआ है, लाइक ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ये उसके अकॉर्डिंग सारी प्रिपेयर हुई है लैब। तो ये सारा है अभी, और ये है कि जिस डोर से आप अंदर आए हैं उससे आप वापस नहीं जा सकते, तो इसलिए इस डोर से हम नहीं जाएंगे, हम उस वाले डोर से जाएंगे। तो अब इधर से हम एग्जिट लेंगे। तो ये अब सेंटर पार्टीशन है और ये ऑटोक्लेव है, इसमें चीज़ों को डिसइंफेक्ट करते हैं, लाइक जो भी आपकी किट्स होंगी या जो भी है आपने उसको डिसइंफेक्ट करना है। तो ये डस्टबिन है, शूज़ अलाउ नहीं है इधर, और आपको विदाउट शूज़। अब इधर लाइक बाहर ऑटो इसकी है, आपने फिंगर लॉक है वो आपने उधर से इधर आना है, फिर इधर आना है, फिर अब ये हम बाहर जाएंगे। सो ये रूम है जहाँ पे वो लगी हुई है मशीन, ये समझ लें ये एक सिविक खड़ी है ब्रांड न्यू, लाइक 30+ लैक की ये मशीन है, इस पर टेस्ट होते हैं। ये इसका लैपटॉप है, ये वो पड़े हुए हैं सैनिटाइजर्स वगैरह ना, ये भी एक मशीन है, ये समझ लें कि आपकी कल्टस खड़ी हुई है ब्रांड न्यू, ये मशीन है। इधर इसमें सैंपल्स वगैरह लगते हैं, इसमें 16 सैंपल्स हम रन कर सकते हैं, सही है ये मशीन। तो 32 लाख और 16 लाख ये आपका ही बॉक्स में पड़ा हुआ है, सही है। दिस इज़ द थर्ड रूम, मास्टर मिक्स रूम। सो इधर भी एक फ्रिज पड़ा हुआ है -32 वाला, ये सारे केमिकल्स हैं, ये सारे केमिकल्स हैं। और ये भी मशीन है, एक वो डस्टबिन पड़ा हुआ है, ए सी हर रूम में लगे हुए हैं, फैंस हैं, लाइक बिल्कुल एयर टाइट रूम है। तो
ये सारा मैट है और इस पर तकरीबन 1 करोड़ रुपया लग गया हुआ है ये खाली सारी चीज़ों पे। तो अभी तक ये फंक्शनल नहीं है, तो ये बंद करेंगे इसको, ये हम ओपन करेंगे, ये लोग ओपन करेंगे, इसमें जो कुछ चीज़ें चल रही हैं हम उसको देख लें। ये लाइक सर्कल है, आप एक चीज़ से आएंगे तो फिर आप उधर से दोबारा एग्जिट नहीं हो सकते। तो अभी ये सारी चीज़ें, और इसकी विंडो है, और ये इसकी लाइट है, और ये इसकी विंडो है। अब ये शीशा नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा। तो ये इसका सारा सिस्टम है, इसको हम पावर ऑफ कर देंगे, इसको भी हम पावर ऑफ कर देंगे, इसको भी हम पावर ऑफ कर देंगे। तो ये सारी कोरोना की लैब है। तो ये एक्चुअली व्यू है, दिस इज़ द फर्स्ट रूम, ये पहला कमरा है, वो सेकंड एसी, सेकंड रूम, वो थर्ड एसी एंड थर्ड रूम, फुली एयर टाइट, सेल फोन अलाउ नहीं है। तो हम कर रहे हैं, हमने परमिशन ली है वीडियो बनाने के लिए। सो दिस इज़ द कोरोना सेक्शन, इस हॉस्पिटल की ये कोरोना सेक्शन लैब है। तो इधर सारे कोरोना के टेस्ट परफॉर्म होते हैं। सो अभी हम बाहर जाएंगे, ये मेरी कीज है, मैं इसको लूँगा। तो हम बाहर जाएंगे, ये इसका लॉक है।